नमस्ते, मेरा नाम उज्जवल है। टिकट एप के इंट्रोडक्शन वेबिनार सीरीज में आपका स्वागत है। ये दूसरी वीडियो है जो हम कर रहे हैं सीरीज में। पहले वीडियो में हमने स्टॉक्स के ओवरव्यू, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और फोरकास्ट के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स और पीयर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपने हमें फीडबैक दिया था कि हमें हिंदी में भी वीडियोस करने चाहिए। इस वीडियो और इसके बाद के जितने भी वीडियो हैं सीरीज में, उसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग वीडियोस करेंगे। ये वीडियो हिंदी में होगा। फॉर पीपल हु वॉन्ट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश, देर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विच विल टेक यू टू द सेम वीडियो इन इंग्लिश। ठीक है, इस वीडियो में हम हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले tikatape.in पे जाते हैं। मैं अपना स्क्रीन थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, हमने ये कल रिकॉर्ड किया है ताकि वेबिनार के समय हमें टेक्निकल इश्यूज नहीं आए। हम लोग सब कोई घर से काम कर रहे हैं तो इंटरनेट कभी कभी चला जाता है, हमने ये पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो हम चैट पे अवेलेबल है, आप चैट में अपने क्वेश्चंस डालें और हम आपको आंसर करेंगे। ये ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद भी ये वीडियो सेम लिंक पे आपको एक्सेसिबल रहेगी। अगर कुछ छूट जाता है आपसे तो आप ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद सेम वीडियो आप देख सकते हैं जो बाद में भी अवेलेबल रहेगा। जो हमारे फ्रेंड्स मोबाइल पे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको थोड़ी इमेजेस ब्लरी दिखाई दे रही हैं तो सेटिंग्स में जाके अपना क्वालिटी बढ़ा दीजिए वीडियो का। अगर हाईएस्ट क्वालिटी पे आ रहा है, यूट्यूब कभी कभी रेस्ट्रिक्ट करता है कितना क्वालिटी आप देख सकते हैं, तो आप अपने फिंगर से थोड़ा तो जूम कर लीजिए स्क्रीन को ताकि आपको बेटर दिखाई देगा। पर फिर भी मैं अपना स्क्रीन जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो हम देख रहे हैं उसको बेटर दिखाई पड़े। स्टार्ट करते हैं, टीसीएस का एग्जाम्पल लेते हैं। आई थिंक टीसीएस सबको पता है, स्टॉक फेमस स्टॉक है काफी। पिछले वीडियो में हमने ओवरव्यू पेज के बारे में बात की थी, तो ओवरव्यू और फोरकास्ट के बारे में हम कवर कर चुके हैं। माफ कीजिएगा कि पिछले वीडियो में हमने हिंदी में नहीं किया, पर आगे से हम हिंदी में भी करेंगे सारे वीडियोस। तो ये ओवरव्यू पेज है टीसीएस का। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। फोरकास्ट भी बस दिखा देता हूँ ऊपर ऊपर से, बट ये नंबर वन वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। फाइनेंशियल्स पे मूव करते हैं। हर एक लाइन आइटम पे जाने के पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल्स बनता कैसे है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ से आते हैं, बट बाकी लोगों के लिए एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नीचे आपको जो भी एनुअल रिपोर्ट्स कंपनीज पब्लिश करती हैं एक्सचेंज पे पब्लिकली, वो उसका सबका लिंक दिखेगा। 2012 से लेके 2020 तक के लिंक्स हैं यहाँ पे। 2020 को खोलते हैं एक बार देखने के लिए कि कैसा दिखता है एनुअल रिपोर्ट। इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा। एनुअल रिपोर्ट जो होती है कंपनीज की, वो कंपनी के का कच्चा चिट्ठा होता है कि पूरे साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये कंपनीज पब्लिश करती हैं। अलग अलग सेक्शंस होते हैं एनुअल रिपोर्ट में, जो आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में दिख रहा है। कुछ सेक्शंस होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, जो इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं जो सेक्शंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा, वो है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन, लेटर फ्रॉम द सीईओ और लेटर फ्रॉम द चेयरमैन। इसके अलावा कुछ और सेक्शंस होते हैं लाइक ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फुटनोट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। सो आगे चलने से पहले एक बार हम लोग कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कोई भी एक कंपनी होती है, उसके हो सकता है उसके सब्सिडियरीज हों, तो उसको ऐसे देखना चाहिए कि एक पेरेंट कंपनी है, उसके चिल्ड्रन अदर कंपनीज हैं जो कि उसके सब्सिडियरीज हैं। तो पेरेंट कंपनी भी अपना बिजनेस एक्टिविटी करती है और उसके चिल्ड्रन कंपनीज भी अपना बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, राइट?
जो पेरेंट कंपनी के अपने बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो अनकंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है। तो उस कंपनी का जो अपना बिजनेस लाइन है, जो भी वो सर्विसेज एंड गुड्स बेच रहे हैं, जो भी उनका खर्चा या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सब आपका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा। बट उस कंपनी के अंदर सब्सिडियरी दूसरी कंपनीज भी अगर हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ज्यादातर कंपनीज रिपोर्ट करती हैं। उसमें उनका अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है और कंबाइंड विथ उनका चिल्ड्रन कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिला के दिया जाता है। तो अगर हम कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन को कंपेयर करें तो एक कंपनी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बेटर रिप्रेजेंट होता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के थ्रू। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी खुद अच्छा परफॉर्म कर रही है बट उसकी कोई चाइल्ड कंपनी है जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसके चलते ओवरऑल कंपनी जो ग्रुप कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस में भी उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में वो आपको सारा कुछ इट्स रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है कि पूरी बात ना आए। तो इसलिए टिकट टेप पे आप जो भी नंबर्स देखिएगा वो सारे कंसोलिडेटेड नंबर्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट हो, या फिर रेशियोज हो, पी रेशियो हो गया। तो ये सारे कंसोलिडेटेड नंबर्स होते हैं टिकट टेप पे। हमारे काफी यूजर्स ने हमें बोला है कि कभी कभी नंबर्स मैच नहीं करते हैं जो टिकट टेप पे दिखते हैं, और उनको कुछ अदर प्लेटफॉर्म पे दिखें या फिर एनएससी के वेबसाइट पे दिखें। तो मैं ये अभी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो एनएससी के वेबसाइट पे नंबर्स आपको दिखेंगे, पी रेशियो हो गया, बाकी रेशियोज हो गए, वो सब स्टैंड अलोन नंबर्स होते हैं कंपनीज के, और टिकट डेट पे हम कंसोलिडेटेड नंबर्स दिखाते हैं, इसलिए वो नंबर्स थोड़े अलग होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाते हैं हम, पेज नंबर 177 स्क्रॉल करता हूँ मैं नीचे तक। बहुत ही लंबा होता है फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, काफी सारे सेक्शंस होते हैं एनुअल रिपोर्ट में, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, क्या आउटलुक है कंपनी का, किस तरह के स्ट्रेंथ्स हैं कंपनी के, किस तरह के थ्रेट्स हैं कंपनी को, कहाँ कहाँ कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, कैसा कैसा मार्केट डेवलप हुआ है कंपनी का, वो सारा इस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी प्रेजेंट करते हैं। उनका एक बेसिकली सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे वो अपने शेयर होल्डर्स से खुल के बात करते हैं और बोलते हैं कि हमारा हमने ऐसा परफॉर्म किया, हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटीज हैं, हम ऐसा करेंगे, हमारा ऐसा लेट से ऐप का या फिर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का ऐसा ऐसा डिफरेंट परफॉर्मेंस रहा है पिछले ईयर में। सो ये हम कंसोलिडेटेड सेक्शन पे आ गए। ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, और नीचे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखता है। दिस इज द कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का, टीसीएस का 2020 के लिए, और वो कंपैरिजन के लिए लास्ट ईयर का भी दिखाते हैं। सो एक बार आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि इन तीनों स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। वापस टिकट टेप पे चलते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन ठीक से दिख रही है, अगर नहीं दिख रही तो थोड़ा जूम कर लीजिए। सो तीन तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो एक पीरियड में होता है, ठीक है। सो ईयर एंडेड मार्च 31, 2020, इसका मतलब है कि टीसीएस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है। तो ये मार्च एंडिंग कंपनी है, कुछ कंपनीज होती हैं जो दिसंबर एंडिंग होती हैं, एग्जांपल वरुण बेवरेजेस। तो उनका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक फाइनेंशियल ईयर होगा, ज्यादातर कंपनीज का मार्च एंडिंग होता है, तो उनका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक होता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट होता है वो हमेशा एक पीरियड के बीच में होता है, ठीक है। इस पीरियड में इतना रेवेन्यू आया, इतने खर्चे हुए, इतना एक्सपेंसेस हुए, ये मेरा प्रॉफिट था, इतना मैंने डिविडेंड्स दिया। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट पीरियड बेसिस पे नहीं होता, वो एक डेट पे होता है कि 31 मार्च 2020 को मेरा बैलेंस शीट पोजीशन कैसा था, ठीक
कितने लायबिलिटीज थे मेरे, कितने एसेट्स थे मेरे, राइट, और मेरी कितनी इक्विटी थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी एक पीरियड बेस्ड स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट की तरह, कि इस पीरियड में अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक मेरा कैश कितना अंदर गया, कितना बाहर गया, किस किस कैटेगरी में। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाएंगे। तो अभी के लिए इनकम स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट लाइन आइटम्स होते हैं जिसमें कंपनीज अपने खर्चे और अपने रेवेन्यूज को रिपोर्ट करते हैं। ज्यादातर कंपनीज डिफरेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंट कंपनीज अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो करे, कोई कुछ बता रहा है किसी चीज को, कोई कुछ बता रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा यूजर्स के लिए समझना कि कंपेयर कैसे करें। तो दुनिया में अलग अलग तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो ज्यादातर कंपनीज का इसलिए आप देखिएगा कि जो मेजर आइटम्स होते हैं वो काफी कंसिस्टेंट होते हैं, कि एक दूसरे से मैच करते हैं, कि टोटल इनकम का एक आइटम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एक आइटम है, टैक्स का एक आइटम है, प्रॉफिट फॉर द ईयर का आइटम है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओसीआई का आइटम है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको किसी दूसरे कंपनी का भी पीएनएल दिखाता हूँ। तो ये एचयूएल है, इसमें आप देखिएगा कि ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं, राइट, ये बैलेंस शीट है फॉर एग्जाम्पल। तो छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग कंपनीज के रिपोर्टिंग में, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम होता है, बट डिफरेंसेस स्टिल होते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए भी स्कोप होता है कि कंपनी कुछ कुछ चीजें ज्यादा रिपोर्ट करे, कुछ कुछ चीजें कम रिपोर्ट करे, बट जो मेजर चीजें हैं वो कंपनीज रिपोर्ट करती हैं सारी सेम नाम को लेके, टोटल इनकम हो गया और टोटल एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। तो हमने क्या किया है कि हमने सारी अलग अलग कंपनीज के जो रिपोर्टिंग स्टाइल्स हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा किसी यूजर के लिए एक कंपनी और दूसरी कंपनी को कंपेयर करना। तो हमने, अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें, तो हमने स्टैंडर्डाइज किया है अलग अलग आइटम्स में। तो अब हम इस इन आइटम्स के थ्रू जाएंगे, पर मैं बस ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये इसमें कन्वर्ट होता है क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज किया है, ठीक है। तो अब इनकम स्टेटमेंट पे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ये एक पीरियड बेस्ड स्टेटमेंट होता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020 के नंबर से, उसी तरह ये 2019, 2018, 2012 तक के नंबर टिकट टेप पे आपको दिखेंगे। टोटल रेवेन्यू इज कि कितना आपका सेल्स से आपका पैसा आ रहा है कंपनी के अंदर, ये नंबर लाख करोड़ में है। सो एक ये नंबर करोड़ में है, तो ये 1,60,000 करोड़ टोटल रेवेन्यू हुआ है 2020 में टीसीएस के लिए। अब इस नंबर से अलग अलग खर्चे डाल के अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी के मेट्रिक्स निकलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर जो है आपको जो सीक्वेंस में दिख रहा है वो है एबिटडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कैसे निकल के आया है, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो जो भी रेवेन्यू और एबिटडा के बीच के जो नंबर्स हैं वो आपको दिख गए। सो रॉ मटेरियल्स में कितना खर्चा हुआ है, ये बेसिकली लागत है आपकी, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय की सैलरीज हो गई, एम्प्लॉय पे तो खर्चे करते हैं कंपनी, वो एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया। तो इस तरह करके ये पांच आपके एक्सपेंस आइटम्स हैं। तो टोटल रेवेन्यू माइनस रॉ मटेरियल्स माइनस पावर एंड फ्यूल कॉस्ट माइनस एम्प्लॉय कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस करके आपका एबिटडा नंबर आता है। ज्यादातर कंपनीज एबिटडा नंबर पब्लिश नहीं करती हैं, बट ये काफी अच्छा मेट्रिक है जो कि मार्केट में काफी लोग यूज करते हैं देखने के लिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। एबिटडा के बाद हम डेप्रिसिएशन जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पीबीआईटी आएगा। पीबीआईटी इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो हमने डिप्रिसिएशन वाला एलिमेंट हटा दिया तो पीबीआईटी का नंबर आ गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट का नंबर हटा देंगे तो पीबीटी आ जाएगा।
प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। नाउ अब कंपनी टैक्स पे करेगी, तो टैक्सेस एंड अदर आइटम्स का नंबर हटा दिया हमने, तो नेट इनकम आ गया। तो नेट इनकम है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फॉर द कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, इसको बॉटम लाइन बोलते हैं। और ये आपका टॉप लाइन हो गया। सो टॉप लाइन से बॉटम लाइन पहुंचने तक बहुत सारे अदर आइटम्स हैं जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तब हम टोटल रेवेन्यू से नेट इनकम तक पहुंच गए। यहां तक क्लियर है? ईपीएस इज अर्निंग्स पर शेयर। तो नेट इनकम 32,000 करोड़ का हुआ टीसीएस को 2020 में, नेट प्रॉफिट, अच्छी बात है। बट एक शेयर होल्डर के लिए इसका क्या मायने है? अर्निंग्स पर शेयर का मतलब है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो हर एक शेयर शेयर के लिए 86 रुपीज का नेट इनकम जनरेट किया है टीसीएस ने 2020 में, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर मेरे पास 10 शेयर्स है तो मेरे शेयर का 862 रुपये कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इससे आसान हो जाता है दो अलग अलग कंपनीज को कंपेयर करना, किसी का शेयर ज्यादा है किसी का शेयर कम है, कोई बड़ी कंपनी है कोई छोटी कंपनी है, कैसे कंपेयर करें। तो ईपीएस वाला नंबर ज्यादा मायने रखता है उस कंपैरिजन में, जब आप लेट से टीसीएस और विप्रो को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग साइज है कंपनी का, सेम सेक्टर में है दोनों कंपनी, सेम काम करते हैं, कंपेरेटिव है, पर साइज अलग है कंपनी का, तो नेट इनकम का नंबर अलग अलग होगा। तो ईपीएस कंपेयर करेंगे ताकि पता चले कि एक शेयर होल्डर, अगर मैं शेयर होल्डर हूं दोनों कंपनीज में, तो कौन सी कंपनी मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिट बना रही है। डीपीएस इज डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो जब इनकम जनरेट करती है कंपनी, तो कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। वो आपका प्राइस है के रूप में सोच सकते हैं कि आपने शेयर्स ओन किया है उस कंपनी का, तो आपको कंपनी ने डिविडेंड्स दिया। इसमें एक बात देखने वाली ये है कि जरूरी नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड कंसिस्टेंटली देती आ रही है वो अच्छी कंपनी है, या जो नहीं दे रही है जरूरी नहीं है कि वो खराब कंपनी है। ज्यादा और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं, ठीक है। जनरली जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर मैंने 32,000 करोड़ का अगर नेट इनकम किया है इस साल में, तो मैं क्या करूं उस इनकम का? या तो मैं उस इनकम को अपने नए प्रोजेक्ट्स में डाल सकता हूं, राइट। तो उससे हो सकता है कि मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूं टीसीएस के केस में, हो सकता है मैं एक नया ऑफिस बैठा रहा हूं, जो भी रीजन हो। या तो मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, या फिर अपने शेयर होल्डर्स को एक पोर्शन उसका दे दूं एज डिविडेंड्स। तो डिविडेंड पर शेयर उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि एक शेयर के लिए कितने रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। तो 73 रुपीज का डिविडेंड मिला है हर शेयर होल्डर को 2020 में टीसीएस की तरफ से। पे आउट रेशियो इसका रेशियो है कि डिविडेंड एज अ रेशियो ऑफ अर्निंग्स। तो 73/86 इज 84%। तो 86 रुपीज पर शेयर इनकम जनरेट किया आफ्टर टैक्स टीसीएस ने, और उसमें से 73 रुपये यानी 84% शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, और बाकी उन्होंने रख लिया अपने पास जो भी रीजन के लिए, वो हो सकता है इन्वेस्ट करें, हो सकता है अपना रिजर्व्स बढ़ाएं, ठीक है, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। सो जो भी आपके कॉस्ट्स हैं उसको आप देखना चाहें एक साथ, तो या तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि एबिटडा माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू पीबीआईटी, या फिर आप सी कॉस्ट में क्लिक करके, सी कॉस्ट में क्लिक करके सारे कॉस्ट एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। नाउ इस बारे में बात करते हैं कि ये नंबर्स तो ठीक है, अच्छी बात है, दिख गया कि 2012 में 49,000 करोड़ था टोटल रेवेन्यू, 2020 में 1,61,000 करोड़ था, बट इनको कंपेयर कैसे करें? अभी हम सिर्फ कंपनी का अलग अलग सालों का परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हैं, तो इनको कंपेयर कैसे करें? तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ग्रोथ व्यू। इसका मतलब ये है कि 2012 में 49,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, 2013 में क्या हुआ, 30% रेवेन्यू ग्रो किया 12 से 13 के बीच में, 14 में क्या हुआ, 13 से 14 में फिर 30% ग्रो किया,
तो इससे क्या होता है कि आपको एक काफी अच्छा व्यू मिल जाता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ओवर द इयर्स अलग अलग आइटम्स पे। रेवेन्यू ग्रोथ ऐसा रहा है ईयर ऑन ईयर, मतलब कि एक साल से दूसरे साल तक एबिटडा ग्रोथ कैसा रहा है। ये सिर्फ बाहर वाले एलिमेंट्स पे नहीं है, आपको हर लाइन आइटम पे ग्रोथ का व्यू मिल जाता है। किसी किसी जगह पे आपको परसेंटेज ग्रोथ डैश दिखेगा, उसका मतलब ये है कि या तो कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किया था या फिर वो जीरो था, तो रॉ मटेरियल जीरो था तो कोई ग्रोथ नहीं था, मतलब सेम ही है। ठीक है, सो इसमें ये एनालिसिस काफी इजी हो जाता है एक स्नैपशॉट में देखने में कि कंपनी एक लाइन आइटम जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें हर साल कैसा कैसा उतराव चढ़ाव हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं नेट इनकम का। सो 2012 से नेट इनकम कंसिस्टेंटली ग्रो करते आया है टीसीएस का। 2018 में 1.76% गिरा था, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया आपको देखने के लिए कि क्या हुआ था कि 2018 में 2% गिरा था नेट इनकम। क्या मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था? क्या मेरा डिप्रिसिएशन में चेंजेस हुआ था? क्या मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया था? तो ये आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट है एनालिसिस करने के लिए कि क्यों ऐसा चेंज आया। ये चीजें अभी तक लोग एक्सेल में करते थे, सारे नंबर्स डाउनलोड करके हमने इसको आपको प्लेटफॉर्म पे ही दे दिया है। एक तीसरा व्यू जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है मार्जिन व्यू। उसके पहले नॉर्मल व्यू पे जाते हैं। सो 2020 में 1,61,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ। एबिटा नंबर्स ठीक हैं, नेट इनकम 32,000 करोड़ है, पर प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो अगर 1,60,000 रुपए का रेवेन्यू आया, मतलब कैश आया मेरी कंपनी में, मैंने अपना सेल्स के थ्रू तो इतना कैश कंपनी में लाया हूँ, तो उसमें से कितना इनकम में कन्वर्ट हो रहा है, इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से हम जानने की कोशिश करते हैं। उनको बोलते हैं मार्जिन रेशियोज। तो मार्जिन रेशियो का मतलब है कि किसी भी लाइन आइटम का क्या वो क्या फ्रैक्शन है टोटल रेवेन्यू का। हमने एक व्यू दिया उसको देखने के लिए, उसको तो बोलते हैं मार्जिन व्यू। इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो टोटल रेवेन्यू का रो हर साल में 100% है, क्योंकि बाकी जो रोज है वो इसके कंपैरिजन में। ठीक है, सो कॉस्ट को एक्सपेंड करते हैं सारे आइटम्स को। 100 रुपये मैंने टोटल रेवेन्यू में कमाए, उसका 53% मेरे एम्प्लॉय कॉस्ट में गया है, चाहे वो एम्प्लॉयज की सैलरी हो या एम्प्लॉयज के लिए जो भी और खर्चे होते हैं कंपनीज को। 12% सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में गया है। एबिटडा 28.9% रह गया है टोटल रेवेन्यू का। दिस इज एबिटडा मार्जिन। ठीक है, उसी तरह पीबीटी डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी नेट इनकम डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है टीसीएस का 2020 में। नेट प्रॉफिट मार्जिन हम पिछले सालों से भी कंपेयर कर सकते हैं कि 2017 में नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.5% था, जो कि गिर के 20% हो गया है। क्यों हुआ है वो एक एनालिसिस का अलग स्ट्रीम है जिसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम एनालाइज करने के लिए कि कंपनी के लिए क्या अच्छा हो रहा है क्या अच्छा नहीं हो रहा है इन्वेस्ट करने से पहले। तो मार्जिन व्यू से आप समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, और जो हमारे बॉटम फिगर्स हैं उसमें कितनी एफिशिएंसी है कंपनी की। 20% 100 रुपये का कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। तो मार्जिन नंबर्स जो होते हैं वो कंपेटिटर से भी कंपेयर करने में आसानी होती है कि टीसीएस का प्रॉफिट मार्जिन इतना है, विप्रो का कितना है, टेक महिंद्रा कितना है, तो वो एक कंपेयर करने का अच्छा आपको एक जरिया मिल जाता है। ठीक है, हमने एक और चीज इसमें ऐड की है, वो है कमेंट्री। इन चीजों को हम कमेंट्री बोलते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इस टेबल में टीसीएस का परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे थे अलग अलग सालों में,
कमेंट्री में हमने टीसीएस को इंडस्ट्री से कंपेयर करने की कोशिश की है। इंडस्ट्री का मतलब है जो दूसरे और भी टीसीएस के कंपेरिटर्स हैं, जिनको पीयर्स भी बोल सकते हैं, वो लोग एज एज अ होल, मतलब एज अ ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और टीसीएस उनके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर हमने अभी एबिटडा मार्जिन की बात की, तो ये एवरेज लास्ट 5 सालों में टीसीएस का एबिटडा मार्जिन 29.27% रहा है, ठीक है, और इंडस्ट्री का 24.86% रहा है। तो टीसीएस का एफिशिएंसी एबिटडा मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्री से बेटर रहा है। सेम चीज नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी, ठीक है। अलग अलग व्यूज में अलग अलग कॉमेंट्रीज दिखेंगे। ग्रोथ व्यू में हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, नेट इनकम के बारे में बात करते हैं, और नॉर्मल व्यू में हम मार्केट शेयर के बारे में भी बात करते हैं कि अगर इंडस्ट्री में 100 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है सबको मिला के, सारे कंपेटिटर, सारे पार्टिसिपेंट्स उस इंडस्ट्री के, उस सब सेक्टर के, तो उसमें टीसीएस का कितना शेयर है। तो एवरेज लास्ट 5 सालों में इंक्रीज हुआ है टीसीएस का मार्केट शेयर 29.96% से 32.52%। ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि वो अपने सेक्टर में बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो वो ज्यादा मार्केट, ज्यादा क्लाइंट्स ले रही है, ज्यादा अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर उनका प्रॉस्पेक्ट अच्छा है फ्यूचर के लिए, तभी उनका मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है। बस ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है देखने के लिए कि कैसा, लेट से डोमिनेंस जो बोलते हैं, मार्केट में हो रहा है उस कंपनी का, उसके कंपेरिटर्स के कंपैरिजन में। ये था इनकम स्टेटमेंट। अभी हम बैलेंस शीट की ओर जाते हैं। तो बैलेंस शीट पे जाने से पहले एक बार फिर से एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं। ये है बैलेंस शीट। अलग अलग लाइन आइटम्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अलग अलग कंपनीज के, बट जो मेजर लाइन आइटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, कुछ कुछ आइटम्स किसी एक में होते हैं, किसी और में नहीं होते हैं। ये एचयूएल है। अगर आप माइंडट्री का देखिएगा तो माइंडट्री का रिलेटिवली ज्यादा सिंपल रहेगा, टीसीएस का कम सिंपल रहेगा, बट ओवरऑल जो आइटम्स होते हैं वो सेम होते हैं अलग अलग कंपनीज के लिए। तो बैलेंस शीट के आइटम्स को डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट डिस्कस करने से पहले एक बैलेंस शीट का फॉर्मूला होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए, होता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। अगर आप कहीं भी बैलेंस शीट देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप उसी वक्त बैलेंस शीट को देखना बंद कर दीजिए जहां पे भी आप देख रहे हैं, क्योंकि तो वो गलत है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर वो ट्रू नहीं हो रहा है तो कुछ गलत है उसमें, बैलेंस शीट में। तो 1,20,120 करोड़ रुपए का टोटल एसेट्स था टीसीएस के लिए 2020 में। टोटल लायबिलिटीज इतने थे, टोटल इक्विटी इतना था। टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब ये प्लस ये, 1,20,120, ये और ये नंबर हमेशा मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कहीं पे भी आपको, कहीं और आप देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके अपने एनालिसिस में भी नहीं कर रहा है, तो कुछ गड़बड़ है बैलेंस शीट में। ये सबसे पहला प्रिंसिपल है बैलेंस शीट का। नाउ अब हम इंडिविजुअल सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। पहले एसेट्स से आते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज और इक्विटी से बात करने से पहले एग्जांपल लेते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि मेरे पास, मेरे पॉकेट में 5 रुपए पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। तो 5 रुपए वो एसेट मेरे पॉकेट में पड़े हुए हैं, वो तो फैक्ट है। मेरे को 2 रुपए अपने दोस्त को देने, मैंने कभी उससे उधार लिया था, और 2 रुपए उसको वापस करने, तो मेरा लायबिलिटी 2 रुपए। जो बाकी के 3 रुपए हैं वो मेरा अपना है, उस पर किसी का हक नहीं है, उस पर किसी का क्लेम नहीं है, तो वो मेरा इक्विटी है। तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बट इस केस में मेरा एसेट है 5 रुपए, ठीक है, लायबिलिटीज है 2 रुपए, तो जो 3 रुपए है वो मेरा इक्विटी है। तो 5 इक्वल टू 2 प्लस 3, बैलेंस शीट मैच हो गया। अब जो 5 रुपए हैं उसका ब्रेकडाउन कैसा है, वो 2 रुपए हैं उसका ब्रेकडाउन कैसा है, वो करने के लिए हम आते हैं करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट एसेट्स पे, करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज पे। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं मेरे जो कि शॉर्ट टर्म में के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स
जो मैंने पहले एग्जांपल दिया उसमें मेरे दोस्त का जब बैलेंस शीट बन रही होती तो जो 2 रुपये उसको मुझसे मिलने हैं वो उसका रिसीवेबल्स है। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री का मतलब है कि मैंने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना के गुड्स बना के रखे हुए हैं अपने वेयर हाउस में। ठीक है, लेट से मैं साबुन बनाता हूँ और मेरा कुछ इन्वेंट्री बन के रखा हुआ है साबुन, जो कि मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। वो इन्वेंट्री जल्दी ही एक्सपेक्टेड है कि अपने यूजर्स को मैं बेच पाऊंगा और उसके बदले मुझे कैश मिलेगा, इसलिए ये शॉर्ट टर्म एसेट है, इसलिए करेंट एसेट है। सिमिलरली नॉन करेंट एसेट्स होते हैं जो कि रिलेटिवली लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको पीपीई बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है, जैसे मैंने साबुन बनाने के एग्जाम्पल में मैंने फैक्ट्री बैठाई है साबुन बनाने की, वो भी एक एसेट है मेरा कि वो मेरी मेरी प्रॉपर्टी है, राइट? तो वो जो मैंने फैक्ट्री बैठाई है वो पीपीई में आएगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसेट है, तो इट्स अ नॉन करेंट एसेट। उसी तरह का कुछ मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कुछ मेरे टैक्स क्रेडिट्स हैं, टैक्स एसेट्स हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, तो वो आएंगे आपके पूरे मिला के नॉन करेंट एसेट्स में। तो करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स बिकम्स टोटल एसेट्स। ठीक है यहाँ तक? तो करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स की तरह ही करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। करेंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि मुझे पे करना है, जो 2 रुपये की बात हुई थी हमारी, मुझे अपने दोस्त को पे करना है, वो शॉर्ट टर्म लोन लिया है मैंने उससे, अगर तो मुझे उसको जल्दी पे करना पड़ेगा, तो वो मेरे करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। ठीक है, उसी तरह नॉन करेंट लाइबिलिटीज में कुछ कुछ आइटम्स होते हैं। मैंने किसी से लॉन्ग टर्म डेट लिया होता, मान लो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं 2 रुपये तुमसे ले रहा हूँ, 10 साल बाद दूंगा तुमको, तो वो लॉन्ग टर्म डेट में आता, तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आता। उसका मतलब ये है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये पता लग रहा है कि जो 6,906 करोड़ रुपए हैं वो ऐसा नहीं है कि कल उसको चुकाना है, वो लॉन्ग टर्म डेट है। तो उसको एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट होगा करंट लायबिलिटीज को एनालाइज करने के तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट एंड नॉन करंट में तोड़ने के बहुत फायदे हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो मेरे पास करंट एसेट्स है और जो मेरे पास करेंट लाइबिलिटीज है उसका क्या लेवल है एक दूसरे के कंपैरिजन में। कंपनी के हेल्थ के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्या करेंट एसेट्स इनफ है करेंट लाइबिलिटीज को सर्व करने के लिए। करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, मुझे किसी और थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में देना है, राइट? करेंट एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी होल्ड करता हूँ जो कि मैं जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड नॉन करेंट एसेट तो नॉन करेंट लाइबिलिटी उल्टा हो गया कि वो लॉन्ग टर्म चीजें हैं। तो कितना पोर्शन करेंट एसेट्स का, टोटल एसेट्स का करेंट में है, कितना नॉन करेंट में है, सिमिलरली कितना पोर्शन टोटल लाइबिलिटीज का करेंट में है, कितना नॉन करेंट में है, ये सब अलग अलग तरीके यूज किए जा सकते हैं। सिंस बैलेंस शीट जो कंपनीज रिपोर्ट करती हैं वो इन दोनों करेंट और नॉन करेंट सेक्शंस में तोड़ देती हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी के भी ब्रेकडाउन होता है, सब में एक एक पॉइंट पे नहीं जाता हूं मैं, आई थिंक वो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पर ये जो आइटम्स हैं ये शेयर होल्डर्स की अमानत है। ठीक है, तो ये जो 5 आइटम्स यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में भी आपको यही सारे आइटम्स दिखेंगे टिकट टेप पे। तो ये जो 5 चीजें हैं मिला के टोटल इक्विटी बनता है, वो जो 3 रुपये हमने बात किए थे अपने एग्जाम्पल में जो कि मेरे हैं, भले ही मेरे पॉकेट में 5 रुपये रखे हुए हैं बट उसमें से इक्विटी सिर्फ 3 रुपये है क्योंकि 2 रुपये मेरा लाइबिलिटीज है। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डिंग इसका और इसका सम है जो हमने बात किया था, जो कि एसेट्स के बराबर होता है। और टोटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग कि कितने करोड़ शेयर्स अभी इस कंपनी के है मार्केट में। तो मार्च 2020 तक 375 करोड़ शेयर्स, ये रुपी में नहीं है, रुपए में नहीं है, ये नंबर है, 375 करोड़ शेयर्स मार्च 2020 तक टीसीएस के मार्केट में अवेलेबल थे। ठीक है, हमने ग्रोथ व्यू की बात की थी, इनकम स्टेटमेंट में ग्रोथ व्यू बैलेंस शीट व्यू में भी दिखता है आपको।
तो हर आइटम के लिए दो, जो पहला साल है 2012 का, उसमें आपको एब्सोल्यूट नंबर दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगा कि कैसे वो ग्रो या फिर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है अलग अलग सालों में। ये आपको सारे लाइन आइटम्स के लिए दिखेगा, एक बार मैं सारे दिखा देता हूँ आपको। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक हमें स्नैपशॉट में पता चल जाता है कि कंपनी के कौन सी चीजें इंक्रीज कर रही हैं ओवर टाइम, कौन सी चीजें डिक्रीज कर रही हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, टोटल लॉन्ग टर्म डेट 15,000% से इंक्रीज किया है टीसीएस का 2020 में। तो इस व्यू के चलते आपको पता चला कि ऐसा हो रहा है, एंड देन आप उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या रीजन था कि 15,000% से टोटल लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज किया है, क्या इम्पैक्ट है उसका कंपनी कंपनी पे, क्या इम्पैक्ट है उसका कंपनी के डेट लेवल पे, क्या इम्पैक्ट है कंपनी पे के डेट टू इक्विटी रेशियोज पे। ठीक है, कमेंट्री की बात की थी हमने इनकम स्टेटमेंट में, वही उसी टाइप की कमेंट्रीज बैलेंस शीट में भी हैं। तो हमने फिर से इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये कमेंट्रीज लिखी हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि कंपनी कोई भी चीजें प्रोजेक्ट्स नए लेती हैं या फिर कंपनी की जो तो फाइनेंसिंग होती है वो या तो डेट से हो सकती है या फिर इक्विटी से हो सकती है। तो क्या रेशियो है कंपनी का फंडिंग का, वो डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाता है। अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग गोल्डन रेशियो होता है जो वो लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। कुछ सेक्टर्स के लिए डेट रेज करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं बोलना चाहिए बट ज़्यादा लॉजिकल होता है। कुछ कंपनीज और कुछ सेक्टर्स के लिए इक्विटी रेज करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ज़्यादा लॉजिकल होता है। तो ये डिपेंड उस पर भी करता है कि कंपनी किस स्टेज में। मच्योर कंपनीज के लिए अलग नियम लागू होते हैं फाइनेंसिंग उठाने के, और यंग कंपनीज के लिए अलग नियम लागू होते हैं। तो ये इंडस्ट्री से कंपेयर करता है कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी का कैसा है इंडस्ट्री एवरेज कंपेरिजन। करंट रेशियो हमने बात की थी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और नॉर्मल व्यू पे जाते हैं। तो करंट रेशियो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज होता है। तो ये दिखाता है कि कंपनी के पास कितना शॉर्ट टर्म एसेट्स है जो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कवर कर सकता है। तो 5 साल में, पिछले 5 सालों में टीसीएस का करंट रेशियो 414% रहा है और इंडस्ट्री का करंट रेशियो 278% रहा है। तो ये कमेंट्री आपको हर अलग अलग कंपनी के फाइनेंशियल बैलेंस शीट वाले टैब पर दिखेगी ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाते हैं। वापस चलते हैं एनुअल रिपोर्ट पे। ये रहा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको बहुत सारे आइटम्स दिखेंगे एनुअल रिपोर्ट्स में, सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम एचयूएल देखें तो आप देखेंगे एचयूएल में कम आइटम्स है, माइंडट्री में भी कम आइटम्स होंगे रिलेटिवली। बट ये रहा आपका टीसीएस का कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो हमने क्या किया है कि हमने इन सारे आइटम्स को ग्रुप कर लिया ताकि यूजर्स जो मेन आइटम्स हैं उन पे फोकस करें। तो तीन मेजर आइटम्स हैं कैश फ्लो में, एक है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों का जो नेट आउटकम होता है वो है नेट चेंज इन कैश। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सीएफओ भी बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये बेसिकली जो कंपनी का धंधा है उससे कितना कैश फ्लो आ रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या नंबर है। तो 32,000 करोड़ टीसीएस का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था 2020 में। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं,
इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि कंपनी ने कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदे, उसमें इन्वेस्ट किया, कंपनीज ने दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, तो वो आता है आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि कंपनीज पैसे रेज करती है, राइट? तो उससे जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है कंपनी का, वो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, या तो रेज करती है या फिर रीपे करती है। लेट से मैंने 4 साल पहले रेज किया था, अब मुझे वो जो लोन लिया था मैंने उसको रीपे करना है, तो वो जो कैश फ्लो होगा वो भी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। इन तीनों का जो निष्कर्ष होता है वो है नेट चेंज इन कैश, जो कि कंपनी का नेट कैश में क्या क्या स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड से लेके एंड ऑफ द पीरियड तक क्या चेंज हुआ कंपनी के कैश पोजीशन में। पीरियड के स्टार्टिंग में मेरे पास 100 रुपए थे, पीरियड के एंड में मेरे पास 80 रुपए हैं, मेरा नेट चेंज इन कैश क्या हुआ? -20। और उल्टा अगर ज्यादा 120 रुपए होते तो +20। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो है वो दर्शाता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या कोरिलेशन है एक कंपनी का। ठीक है, तो वो है पैसा जो कि कंपनी के पास अवेलेबल है शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस पे करने के लिए, सो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है फिक्स्ड एसेट्स में। तो मैंने एक नई प्लांट खड़ी की, एक नया फैक्ट्री खड़ी किया, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आया, उसको कैपेक्स भी बोलते हैं। फ्री कैश फ्लो हमने रिसेंटली ऐड किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेट्रिक है प्रॉफिटेबिलिटी का दिखाने का। कि फ्री कैश फ्लो वो कैश है जो कि बाकी सब ऑपरेटिंग और कैपेक्स को मिला के उसके बाद जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए लागू होता है। ठीक है, तो फ्री कैश फ्लो जो भी एट्रीब्यूट होने वाला है कंपनी के शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी हमने कमेंट्री फ्री कैश फ्लो ग्रोथ पे डाली हुई है कि कंपनी अपना कैश फ्लो कैसे चेंज की है लास्ट 5 ईयर्स इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। सो TCS एग्जांपल में लास्ट 5 ईयर्स में फ्री कैश फ्लो ग्रोथ कंपनी का एवरेज 17.8% रहा है, जबकि इंडस्ट्री का सिर्फ 13% रहा है। तो ये था आपका फाइनेंशियल्स TCS का। अब हम पीयर्स की तरफ जाते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम कंपनी को सिर्फ उसके अपने अलग अलग सालों के परफॉर्मेंस पे जज कर रहे थे कि 2018 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, वो हम कर रहे थे फाइनेंशियल्स पे। हमने कमेंट्री में थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि कंपनी अपने इंडस्ट्री के अगेंस्ट क्या करती है। अब उसको हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे कंपनी के पीयर्स क्या कर रहे हैं और कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, तो पीयर्स कैसे निकालते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने सारी कंपनीज को सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में ग्रुप किया हुआ है। तो TCS का सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसका सब सेक्टर है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। तो ये जो पीयर्स की लिस्ट आ रही है आपको, ये तो TCS ही है। जो पीयर्स की बाकी 3 पीयर्स की लिस्ट आई है वो आपको मिली है इस सब सेक्टर की, IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। ठीक है, सो हमने अलग अलग टैब्स दे रखे हैं इनको कंपेयर करने के, वैल्यूएशन में पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड। सिमिलरली टेक्निकल में वोलाटिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस कितना ज्यादा रेट से ऊपर नीचे जाता है, कि कितना कंसिस्टेंट है, कितना कम कंसिस्टेंट है। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कंपनी के प्राइस के ट्रेंड को दिखाता है, और ये मोमेंटम रैंक है। इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो में, मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा नहीं तो काफी समय लग जाएगा। फोरकास्ट पे मैं हम लोग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कुछ एनालिस्ट होते हैं जो कंपनी को कवर करते हैं, क्योंकि उनके बारे में बाई सेल या होल्ड बेसिकली ये 3 मेजर रिकमेंडेशन देते हैं कि या तो आप बाई कर सकते हैं कंपनी को, या फिर आपको सेल कर देना चाहिए, हमारे हिसाब से कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म करने वाली है, या फिर आप इसको अगर बाई करके रखे हुए हैं तो आप इसको होल्ड कीजिए, वेट कीजिए।
तो बाई रेको परसेंट दिखाता है कि कितना परसेंट ऑफ एनालिस्ट जो कि कंपनी को कवर कर रहे हैं उसमें से कितना परसेंट बोल रहे हैं कि बाई बाई करना चाहिए कंपनी को। अपसाइड परसेंट का मतलब है कि जब भी वो बाई रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो वो एक टारगेट दे रहे हैं कि इस इतने टाइम में कंपनी का प्राइस यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल इस एग्जाम्पल में टीसीएस के जो लोग कंपेयर कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि -12% रहेगा अपसाइड, मतलब कंपनी का स्टॉक दे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे जाएगा एक साथ। उसी तरह ईपीएस ग्रोथ का भी फोरकास्ट है, जैसे प्राइस का फोरकास्ट था वैसे ईपीएस ग्रोथ का भी फोरकास्ट है। तो जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं उन कंपनीज को उनका ये मीडियन वैल्यू है। हो सकता है किसी ने जो हाईएस्ट एनालिस्ट ने फोरकास्ट दिया होगा प्राइस का, हो सकता है पॉजिटिव में होगा, हो सकता है कि नेगेटिव में, जो सबसे लोएस्ट जिसने दिया होगा वो और भी ज्यादा नेगेटिव में होगा, इससे ये मीडियन वैल्यू। अगर आपको इन तीनों के अलावा कुछ और कंपनीज का भी फोरकास्ट देखना है तो आप ये लिंक करके स्क्रीनर पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको बाकी उस सेक्टर के सारे कंपनीज का लिस्ट दिखता है। तो उस बटन पे क्लिक करने से क्या हुआ है कि हम स्क्रीनर पे आ गए हैं, यहाँ पे ये सब सेक्टर सेलेक्टेड है और जो हमारे मेट्रिक्स थे परसेंटेज बाय रेको अपसाइड एंड 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ वो सेलेक्टेड है। वापस जाते हैं, ट्राई करते हैं टेक्निकल के लिए। तो हम उस स्क्रीनर पे आ गए, सेम सब सब सेक्टर सिलेक्टेड है और वोलेटिलिटी आरएसआई और प्राइस मोमेंटम रैंक यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसमें और फिल्टर्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे जाके और फिल्टर्स लगा सकते हैं और अपनी एनालिसिस रिफाइन करने के लिए। ओके, सो पेयर्स कंपैरिजन के बाद एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सब बातों की, एक बात प्राइस कैसे चेंज कर रहा है, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर मेरा रिटर्न आ रहा है प्राइस से, तो प्राइस का जो मूवमेंट है वो मेरे को एक्चुअली में रिटर्न देने वाला है। तो हमने एक प्राइस कंपैरिजन चार्ट दिया है पेयर सेक्शन पे, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंपनीज का आप कंपेयर करने वाले करना चाहते हैं और किस पीरियड में आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो जून 19 2019 से जून 12 2020 तक, एक साल का पीरियड है, उतने ट्रेडिंग डेज है उसमें, का ये चार्ट है। तो जून 19 से जून 19 ऑब्वियसली 0% है, एक दिन आगे जाते हैं, जून एक वीक आगे जाते हैं सॉरी, जून 19 से जून 26 तक टीसीएस का -0.25% था, इन्फी का 1.68 नीचे था और सीएल टेक का 0.9 नीचे था। जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे जून 19 के कंपैरिजन में क्या रिटर्न आया है इन तीनों कंपनीज का वो आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, इसको लास्ट 3 मंथ्स कर देते हैं, मुझे देखना है कि लास्ट 3 मंथ्स में इन तीनों कंपनीज ने क्या परफॉर्म किया है। इसको हम कस्टम नीड भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ 4 मई से लेकर 27 मई तक। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो कंपनीज चेंज भी कर सकता हूँ, हो सकता है कि मुझे इस कंपनीज का नहीं, मुझे रिलायंस से कंपेयर करना है, वो भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके माइंडट्री भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है मैं इसको कैसे कंपेयर करना चाहूँ। अगर मैं किसी ईटीएफ से कंपेयर करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये बैंक डी से कंपेयर हो रहा है, पता नहीं कोई कोई बैंक डी से क्यों कंपेयर करना चाहेगा टीसीएस को, बट हमने ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये हो गया पेयर्स पे। एक चीज मैं बोलना भूल गया फाइनेंशियल्स पे, वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज का कुछ आइटम्स मिसिंग है। एग्जाम्पल के लिए हम रिलायंस पे जाते हैं, सब देख रहे हैं कि रिलायंस का रॉ मटेरियल्स पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बाकी ईयर्स के लिए है बट 2020 के लिए अभी तक नहीं आया है, इसका
इसका रीजन ये है कि ये नंबर्स जो होते हैं वो कंपनीज डिटेल में बताते हैं एनुअल रिपोर्ट्स में। तो आप देखिएगा कि 2020 का एनुअल रिपोर्ट नहीं आया रिलायंस का, तो ये नंबर कैसे आया हमारे पास? तो कंपनीज क्वार्टरली बेसिस पे अर्निंग्स रिलीज करते हैं। मार्च के अर्निंग्स रिलीज में कंपनीज पूरा साल का कंसोलिडेट नंबर्स को दिखाते हैं, बट वो सारे डिटेल्स नहीं देते हैं। तो अभी तक अर्निंग्स रिलीज आ गया है रिलायंस का, बट एनुअल रिपोर्ट नहीं आया। जैसे एनुअल रिपोर्ट आएगा ये नंबर सारे पब्लिक हो जाएंगे, इसीलिए आपको ईयर्स में डिविडेंड यील्ड नहीं दिखा किसी किसी का टीस में, क्योंकि उनका अभी तक पूरे नंबर्स नहीं आए। ये था फॉर फाइनेंशियल्स एंड पीयर्स। आगे के वीडियोस में हम होल्डिंग्स, न्यूज और इवेंट्स की बात करेंगे। इसके बाद स्टॉक पेजेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इंडेक्स और ईटीएफ पेजेस पे जाएंगे, उसके बाद हम स्क्रीनर पे जाएंगे, जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया है कि हम वीडियोस करें स्क्रीनर पे, कैसे स्क्रीनर काम करता है और स्क्रीनिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे एडवांस स्क्रीनिंग और एडवांस फॉर्मूलाज हम लिख सकते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए। उसके बाद लास्ट वीडियो जो होगा वो ज़ीरोधा कंसोल पे आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, पोर्टफोलियो इनसाइट्स का एक सेक्शन है होल्डिंग्स में कंसोल पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो ये सातों सीरीज का वेबिनार सीरीज विल बी ओवर विद पोर्टफोलियो इनसाइट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। आई नो मैंने 50 मिनट ले लिए, बट बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। बाय बाय।